मुद्दा स्वास्थ्य का, यानी मुद्दा है इसका दूसरा एपिसोड है ये। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य की, और आज हमारे साथ हैं वैद्य आनंद पांडे जी, जो कि मुख्य चिकित्सक हैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय वाराणसी के। आज हम लोगों की कुछ तकनीकी समस्या के कारण लाइव थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन हम लोगों से जल्दी ही डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ेंगे, जो कि अनुभूति ट्रस्ट के फाउंडर हैं और देश के प्रसिद्ध कैंसर सर्जन हैं। तो वैद्य आनंद जी, आज जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक डिसऑर्डर के जो भी रोग होते हैं उनको कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं इनको ये कौन-कौन से होते हैं। अनुभूति के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही यही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। नाम ही इसका थोड़ा अलग भी है, थोड़ा सा स्टाइलिश भी है, थोड़ा सा शर्मनाक भी है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये बड़ा शर्मनाक हो जाता है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल डिजीज, मतलब हमारा जो जीने का तरीका है, दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसके कारण हमको रोग होते हैं। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे रहते हैं, जहां रहते हैं, जब रहते हैं, उसके कारण हमको रोग होते हैं, उसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में उसके जो कारणों की मैं बात करूं तो कई सारे हैं। हमारा खाना, हमारे खाने में हमने कब खाया, क्या खाया, कौन से सीजन में खाया, कौन सी चीजों के साथ खाया, कौन सी चीजों के साथ नहीं खाया। उसके बाद हमारा पीना, फिर हमारा जो है रहना, हमारा बाहर निकलना, ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के कारण बनती हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में कई रोग आ चुके हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, इस तरीके के कई सारे रोग हैं जिनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर करके नाम दे दिया गया है, और आजकल इसको लोग नॉर्मल मान चुके हैं। आपके घरों में या आपके आसपास में आप देखेंगे, आपके परिचितों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज की गोली रोज लेते होंगे, जो हाइपरटेंशन की गोली रोज लेते होंगे, जो थायराइड की दवा रोज लेते होंगे, और थायराइड की गोली लेने के बाद भी उनको ऐसा नहीं कि वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, हाँ, लेकिन उनको मानसिक मानसिक शांति मिलती है कि हाँ हम दवा ले रहे हैं, उनको इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ये होते हैं, और इनको रोकने के लिए या ये ना हो उनके लिए फिर हमको अपनी लाइफ स्टाइल को ही देखना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ नहीं खा रहे हैं। तो उसकी शुरुआत में थोड़ा सा करूंगा आपको, सुबह सो के उठने से ही मैं लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा लोग सुबह सो के उठते हैं, एक लोटा पानी पी लेते हैं, दो दो लीटर पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं कि मैं 2 लीटर पानी पी लेता हूँ डॉक्टर साहब, उसके बाद भी मेरा पेट नहीं सही है। सुबह सो के उठते हैं, गुनगुने पानी में शहद डाल के पी लेते हैं कि हम मैं पतला भी हो जाऊंगा, मेरा पेट भी ठीक हो जाएगा, मेरी स्किन पे ग्लो होने लगेगा, क्योंकि जो है बाबा जी कहते हैं, बाबा जी ये भी कहते हैं सुबह सो के उठो कम से कम 1 लीटर पानी पियो, 1.5 लीटर पानी पियो। बाबा जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि खड़े होके पानी पियोगे तो घुटने में दर्द हो जाएगा, तो लोग बैठ के 1 लीटर पानी पी लेते हैं। तो ये शुरुआत हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की हमारे सुबह से हो रही है, सुबह सो के उठने से ही शुरू हो जाती है हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की शुरुआत। पानी के लिए हमारे यहाँ बहुत व्यापक बताया गया है, मैं आज का मुद्दा मैं पानी पे ही थोड़ा सा समेटना चाहूंगा। पानी कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत व्यापक बताया गया है। आयुर्वेद की बात मैं यदि करता हूं तो पानी का सबसे बड़ा इंडिकेशन तो यह है कि जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, न कि सो के उठने के बाद बिना किसी प्यास के पानी पीजिए। प्यास लगी है तो पानी जरूर पीना है, अगर 2 लीटर की प्यास लगी है तो 2 लीटर पानी पीजिए, लेकिन बिना प्यास के पानी मत पीजिए। पानी सिप सिप करके पीना है, न कि पानी उठाया जग और ऊपर से ही पी लिया। ग्लास को मुंह से लगाइए फिर पानी पीजिए। ऊपर से पानी पीने में दिक्कत यह होती है कि हम ऊपर से पानी पीते हैं, पानी तो जाता है
उसके साथ हवा गैस भी जाती है पेट में, डकारें आना शुरू होती हैं, ये गैस का ही एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऊपर से पानी पीना बंद करें, पानी ताजा लें, ना बहुत ज्यादा गर्म हो और ठंडा तो बिल्कुल ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी लें, स्वच्छ पानी लें, साफ पानी लें। पानी का जो हमारी मात्रा है उसका कोई बहुत तगड़ा ऐसा कुछ विधान नहीं बताया हुआ है कि इतना ही पानी हर व्यक्ति को पीना है, 5 लीटर पानी आपको पीना है या 10 लीटर पानी पीना है, ऐसा कुछ परिमाण बताया नहीं गया है हमारे आयुर्वेद में। लेकिन जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है। पानी हमारे भोजन के पाचन के लिए भी जरूरी है, पानी हमारे भोजन के क्लेदन के लिए जरूरी है। जिस तरह से हम चावल पकाते हैं किसी पतीले में तो उसमें पानी डालते हैं फिर आग पे रखते हैं तब वो पकता है, यदि पानी न डालें सीधे चावल को रख दें तो क्या स्थिति होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वही स्थिति हमारे पानी के पीने के कारण को है। पानी हमें हमारे यहाँ पानी कब पिए उस पर बताया गया है कि यदि आप भोजन के पहले पानी पीते हैं तो आपका शरीर पतला होना शुरू हो जाएगा, यदि आप भोजन के बीच में पानी पीते हैं तो आपका शरीर सम रहेगा। सम मतलब न मोटा होना है न पतला होना है, आपके भोजन का पाचन भी अच्छे से होता रहेगा, भोजन में क्लेद भी अच्छे से मिलता रहेगा। क्लेद का काम होता है भोजन को पचने में मदद करना। यदि आप भोजन के बाद पानी पीते हैं तो आपको आपका शरीर मोटा होना शुरू हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि भोजन करिए पानी 2 घंटे बाद पीजिए। अरे भाई प्यास लगी है, भोजन पचाने के लिए भी पानी पीना है, प्यास भी लगी है, लेकिन लोग प्यास को रोके बैठे हैं कि बाबा जी ने कहा है तो पानी नहीं पीना है। बाबा जी का आयुर्वेद हमारे आयुर्वेद में बड़ा अंतर है। तो प्यास जब लगे तो पानी पीजिए, अगर आपको अपने शरीर को सम रखना है तो भोजन के बीच में पानी पीजिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए। मोटा करना है तो बाद में पीजिए, पतला करना है तो पहले पीजिए, लेकिन पतला करने के लिए पानी पीना है ऐसा नहीं करना है। उसका कारण भी मैं बताऊं, पतला करने के लिए यदि आप पानी पीना शुरू कर देंगे तो आपकी अग्नि मंद होना शुरू हो जाएगी, मतलब आपकी जो जठराग्नि है, जो आपकी पाचन शक्ति है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि आपको पतला होना है इसलिए भोजन के पहले पानी पीना शुरू कर दीजिए, लेकिन यदि आप भोजन के पहले पानी पीते हैं तो आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, उसके साथ कुछ रोग भी आपको हो सकते हैं। सूर्या जी कुछ और? सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से हम लोग दिनचर्या रखते हैं उसका हम लोगों की जो भी लाइफस्टाइल रहती है उस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और उनके कारण ही जो भी हम लोगों को रोग होने वाले हैं वो भी एक कारण रहते हैं। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आयुर्वेद में भी आए हैं, और अगर आए हैं तो किस रूप में बताए गए हैं? नहीं, ये टर्म जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये तो आधुनिक टर्म है, ये हमारे संहिता कालों में या उसके बाद के काल में ऐसा कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के नाम से कोई रोग बताया नहीं गया है। लेकिन ये जो भी रोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आते हैं इन सारे रोगों के बारे में हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, इन सारे रोगों को ठीक करने का विधान भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, इन सारे रोगों को से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। जी सर, इस कार्यक्रम का नाम है मुद्दा स्वास्थ्य का, और क्योंकि ये मुद्दा आपका है तो बीच से ही हम लोग एक सर प्रश्न लेंगे। एक हमारे पास प्रश्न तू वर्मा जी का, जो कि अकबरपुर यूपी के रहने वाले हैं, वो त्रिफला का सेवन सुबह उठकर करते हैं और वो पेट साफ करने के लिए, और कई बार वो करते हैं, तो ऐसा करना क्या सही है? ऐसा करना सही भी है और गलत भी है। मैं दो दो दोनों मुद्दों को बताता हूँ बारी बारी से। सही क्यों है? सही तब है जब वो त्रिफला का सेवन यदि वो किसी पढ़े लिखे वैद्य से पूछ के अपने आप को दिखा के अपनी समस्याओं को बता के अपना परीक्षण करा के कर रहे हैं तब तो सही है और उन्हें उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि यदि वो ओवर टू काउंटर जाके दवा खरीदा उन्होंने क्योंकि बाबा जी ने टीवी में यूट्यूब में या फिर किन्हीं और माध्यमों से बताया था कि त्रिफला खाइए पेट साफ होगा,
तो वो गए त्रिफला लेके आए, त्रिफला का सेवन उन्होंने करना शुरू किया। कई लोगों में मैंने देखा है कि त्रिफला को लेने के बाद उनको गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट में गैस ब्लोटिंग होती है, पेट फूल आता है, डकारें आती हैं, पेट साफ नहीं होता, एक नया रोग पैदा हो जाता है। तो ये त्रिफला हर लोगों को सूट करे, हर लोगों के लिए साथ में हो, ऐसा जरूरी नहीं है किसके लिए त्रिफला अच्छी है, किसके लिए त्रिफला अच्छी नहीं है, किसको नुकसान करेगी। ये एक वैद्य जो पढ़ा लिखा वैद्य डिग्रीधारी है वही बता पाएगा, ये किसी बाबा से सुन के कि आप त्रिफला खाओ आप ठीक हो जाओगे, ऐसा करना ये अपने लिए नुकसानदायक है। इससे गैस बनना शुरू होगी, बाद में ये हार्ट के रोगी भी बन सकते हैं यदि ये जो है किसी वैद्य को दिखाए के बिना ही लेते होंगे। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आज हमारे समाज में त्रिफला बहुत छोटा, बहुत सीमित होके रह गया है त्रिफला का गुण, ये बताते बताते प्रचार करते करते, इसको मैं प्रचार नहीं बल्कि इसको मैं दुष्प्रचार कहूंगा। त्रिफला का बहुत व्यापक गुण होता है सूर्य जी, त्रिफला जो है आंख की सबसे अच्छी औषधि है, त्रिफला घाव भरने के लिए सबसे अच्छी औषधि है, मुखपाक मतलब जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं उसकी सबसे अच्छी औषधि है, बालों के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो त्रिफला की जो व्यापकता थी, उसके जो गुण थे, उसको सिर्फ पेट साफ करने की औषधि तक सीमित कर दिया गया। तो इससे जो हमारे त्रिफला का गुण था या फिर उसका जो प्रचार, मैं इसको दुष्प्रचार कहूंगा, जो दुष्प्रचार किया गया उससे उसके गुणों का तो प्रचार नहीं हुआ, लेकिन लोग ओटीसी ब्रांड बना के इसको जब लेना शुरू किए काउंटर से तो उनका नुकसान होना शुरू हो गया। इससे मैं कहूंगा कि यदि वो त्रिफला को किसी वैद्य से, पढ़े लिखे वैद्य से पूछ के दिखा के लेते होंगे तो लें, अन्यथा वो त्रिफला न लें, किसी वैद्य को दिखावें और उनसे कहें, साफ बतावें कि मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है, मुझे पेट साफ करने की दवा दीजिए। त्रिफला का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, तो त्रिफला सिर्फ पेट साफ करने की दवा नहीं है। और मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा कि त्रिफला को पेट साफ करने की दवा के रूप में न लें। बिल्कुल, हिमांशु जी को अपना जवाब मिल चुका होगा कि त्रिफला केवल पेट साफ करने वाली दवा नहीं है और इसको किसी चिकित्सक की सलाह से ही उपयोग। और हम लोगों के साथ देश के मशहूर कैंसर सर्जन और अनुभूति ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर अंशुमान जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और आपका बहुत सर, जैसा कि आज का टॉपिक है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड रोग हो रहे हैं, उनके आप क्या बोलना चाहेंगे? जीवन शैली संबंधित बीमारियां आज भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोग, इन्होंने एक न्यू नॉर्मल, एक नया सामान्य जीवन मान लिया। मतलब एक जीवन आपका चल रहा था पहले, आज से 30 साल या 35 साल या 40 साल रख लीजिए, पहले जो एक भारतीय का जीवन था उससे आज के जीवन में क्या अंतर आया है कि आज जीवन शैली संबंधित बीमारियों को ये मान लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे पहले के लोग, इसको थोड़ा टेक्निकल मैं समझाता हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो बहुत कम थी, मतलब 37 साल 38 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, लोग समझते हैं कि उस समय लोग 37 साल जिंदा रहते थे, ऐसा नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक एरिया में, एक किसी क्षेत्र में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग में से कितने लोग कितने साल जिए, सबको जोड़ा और उसको डिवाइड कर दिया गया कितने नंबर्स हैं, तो आई 37 साल। ऐसा क्यों होता था, महामारी कॉमन थी, हैजा और इस तरह की प्लेग, इस तरह की बीमारी, जिसमें क्या होता था कि पूरा का पूरा गांव, शहर, एक बार महामारी आई और कई लोग मर गए। लेकिन जिस एरिया महामारी नहीं आती थी या महामारी से बच के जो लोग निकलते थे उनकी लाइफ 100 से ऊपर की होती थी। तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 37 जरूर है, लेकिन जो लोग जीवित रहे तो उनके साथ जीवन शैली संबंधित बीमारियां नहीं होती थी। और जीवित कैसे रहते थे, बिना दवा के। आज क्या हुआ अंतर, ये बीमारियां तो चली, बेशक कोरोना पैंडेमिक को छोड़ दें तो बहुत सारी बीमारियां महामारी का रूप नहीं ले रही है, क्योंकि शोध के तहत बहुत सारे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम, जैसे
और कई कई तरीके मच्छरों का प्रकोप कैसे रोकें निकाल लिया गया। तो महामारी उस कदर नहीं हो रही है, लेकिन खास बात क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज मतलब संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हिंदुस्तान में काफी बढ़ी हैं, और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जो जीवन शैली संबंधित बीमारियां हैं, खास करके चार प्रमुख, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर, ये चार बीमारियां भी बढ़ी। तो ये बड़ी विडंबना है कि किसी देश के लिए एनसीडी मतलब नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज और कॉम्युनिकेबल डिजीज दोनों बढ़ने लगे, तो मैं विफलता मानता हूं, क्योंकि ये माना जाता है जो देश डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ता है वहां संक्रामक बीमारियां कम होने लगती है, मतलब हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, मलेरिया, इस तरह की बीमारी कम होगी क्योंकि साफ सफाई बहुत अच्छी होगी, नाले का, सीवरेज का बहुत अच्छा रख रखाव होगा, तो इस तरह की बीमारी कम होगी, और एनसीडी नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज थोड़ी बढ़ेगी, जिसमें कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन ये बढ़ेगी। लेकिन अब क्या हुआ, क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि आज 30-35 साल में थायराइड की गोली चल रही है, बीपी की गोली खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं, और लंबे समय से कैंसर की तादाद देख ही रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर 40 साल के बाद की उम्र आपकी गोलियों पे चल रही हो तो ये तो जीना तो है लेकिन गोलियों के भरोसे, मतलब आप चल पा रहे हैं लेकिन बैसाखी हाथ में लिए, तो क्या ये संभव है कि वापस आपका जीवन उसी स्तर पे पहुंच जाए कि लाइफ विदाउट पिल्स, जीवन बिना गोलियों के बिल्कुल संभव है। कॉम्युनिकेबल डिजीजेज पे हम कंट्रोल करें, काबू करें, सीवरेज, पानी, जल, वायु प्रदूषण, इन सबको कम करें, और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज खास करके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों को सिर्फ जीवन शैली के सुधार से, बेसिक सुधार से हम वापस आपको गोली मुक्त जीवन दे सकते हैं। गोली से मतलब है टैबलेट, दवाइयां। जरूरत क्या है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य करा दीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आपने बहुत, आपसे मतलब है पब्लिक, जनता समझे इस तथ्य को, विरोध होगा, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी विरोध करेंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर भी विरोध करेंगे, आपको भी सुन के अटपटा लग सकता है जो मैं कह रहा हूं या कहने जा रहा हूं, लेकिन सच्चाई और बिल्कुल स्पष्ट और निस्वार्थ भाव से एक बात कह रहा हूं कि जिस चीज में फायदा हो उसको करने में हर्ज नहीं है। दोनों मेडिसिन को अगर मिलाएं, दोनों विधाओं को अगर मिलाएं, तो वाकई बहुत फायदा होगा, बहुत सारी बीमारियां हम रोक सकते हैं, और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां दवाइयों पे, खास करके हाइपरटेंशन, डायबिटीज का चलने के बाद एक समय ऐसा आता है हार्ट अटैक होता है, स्टेंट डालना पड़ता है, इस स्टेज को भी हम वापस ला सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो रॉकेट साइंस है या जो संभव नहीं है, डुएबल नहीं है, अगर आप हमारे साथ मिलें, जुड़ें, इसको करके हम दिखा सकते हैं। सहयोग की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, हमारी तरफ से पूरी पारदर्शिता रहेगी, आपकी तरफ से भी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जो वैद्य, जो चिकित्सक भी जुड़े और जो नागरिक भी जुड़े, पारदर्शिता से जुड़े, ये संभव है। क्योंकि अल्टीमेट एम किसी भी मेडिकल साइंस का क्या है, लोग सुखी रहें, लोग स्वस्थ रहें, उस एम को जितना हम अचीव कर सकें, आज मॉडर्न मेडिसिन भी 100% अचीव नहीं कर पाया, आयुर्वेद ही 100% अचीव नहीं कर पाया, तो अगर दोनों को मिलाएं तो जो जितना अचीव कर रहा है मैं गारंटी कहता हूं उसको बढ़ा सकते हैं। अब अचीव करने का कैसे, मिलाने का मतलब, मेरा मतलब ब्रिज कोर्स से नहीं है, इस बात को साफ साफ समझ लें, मतलब ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथ की प्रैक्टिस करें, एलोपैथ के डॉक्टर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, इससे कतई मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जहां एलोपैथ के डॉक्टर को लगे कि इसकी समझ हमारे मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर सलाह लें, उनके विधाओं को मिलाएं। जहां आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य को लगे कि इसमें जैसे सर्जरी है, एक्यूट ट्रॉमा है, इसमें हमारे आयुर्वेद में भी सुविधा नहीं है, एलोपैथ के डॉक्टर की सलाह लें, पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर जुड़े तो ये संभव है, जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, और ये भारत से ही निकलेगा चमत्कार। मैं इस बात के लिए बिल्कुल सुदृढ़ हूं, सुनिश्चित हूं, संगठित हैं, सुनियोजित कार्यक्रम कर रहे हैं, ये होकर रहेगा। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही कि लाइफ विदाउट अ पिल,
आयुर्वेद और एलोपैथी के सामंजस्य से ही संभव है, जो कि अनुभूति ट्रस्ट, जो कि आपके और वैद्य आनंद जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, इसी ओर हम लोग कार्यरत हैं, इसी ओर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और वैद्य आनंद जी, एक प्रश्न आया है सर, निद्रा के विषय में बताइए, अति निद्रा और से क्या प्रभाव होता है? जी वैद्य आनंद जी, जी जी निद्रा के बारे में हमारे आयुर्वेद में बड़ा व्यापक वर्णन है। पहले तो मैं निद्रा की परिभाषा आपको बताता हूँ। यदानु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानं क्लवान्विता विषयेभ्यो निर्वर्तन्ते तदा सौपति मानवः। मन जब क्लांत हो जाता है और विषयों की निवृत्ति हो जाती है तो आदमी सो जाता है, मनुष्य सो जाता है। लेकिन निद्रा के बारे में हमारे यहाँ कुछ नियम बताए गए हैं, तीन उपस्तंभ बताए गए हैं। उसमें एक आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मतलब निद्रा हमारे यहाँ कितना महत्वपूर्ण है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य यही तीन उपस्तंभ है जिन पे जीवन टिका हुआ है। तो आहार और ब्रह्मचर्य की बात किसी दिन करेंगे, मैं निद्रा की बात करता हूँ कि निद्रा के बारे में हमारे यहाँ बताया गया है कि दिन में सोना और रात में जगना, ये दोनों रोगों का कारण होता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम रात में किन्हीं कारणों से जगे हुए हैं तो दिन में हमको जितनी देर हम लोग रात में जगे हुए हैं उसके आधे समय तक हमको दिन में सो लेना चाहिए और बिना खाना खाए खाली पेट। दिन में सोने का जो प्राविधान हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जो निर्देश दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं, बाकी और पांचों ऋतुओं में दिन में सोना वर्जित है, दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से कई सारे रोग होते हैं, उनमें हाइपरटेंशन भी है, उनमें थायराइड का भी रोग है, उनमें डायबिटीज भी है, उसमें आम वात, कई सारे रोग हैं जो दिन में सोने से होते हैं, वही सेम जो है रात में जगने में भी वही कारण बनते हैं। तो निद्रा, और एक चीज और मैं बताऊंगा, निद्रा का जो वेग है, मतलब यदि आपको नींद आ रही है उसके बाद भी आप जबरदस्ती अपने को जगा रहे हैं, जाग रहे हैं, वो भी एक रोग का कारण है। तो निद्रा के वेग को भी धारण नहीं करना है, मतलब नींद आ रही तो नींद सोना भी है और असमय नहीं सोना है, ये दोनों रोगों का कारण होता है। इससे मॉडर्न मेडिसिन का जो पक्ष है ये मैं बताता हूँ। नींद सकाडियन रिदम एक चीज होती है, ब्रेन क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक हम उसको बोलते हैं, और ब्रेन से लेकर स्पाइन तक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। जैसा आपने बताया एग्जैक्टली उसी को मॉडर्न मेडिसिन समझता है कि एक केमिकल सर्टेन अमाउंट तक जमा हो जाता है तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करके और आपको सोने के लिए ये प्रेरित करता है कि आप सो जाएं, जिसके कारण आप जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं और लगता है कि नींद सी आ रही, थकान सी हो रही, मतलब आपको प्रेरित कर रहा है सो जाओ, तो उसको अवॉइड मत कीजिए, जाइए सोइए, ऐसा कोई काम नहीं है आपके सोने से बिगड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, सकाडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, पिनियल ग्लैंड एक ब्रेन के अंदर ग्लैंड है जो सनराइज और सनसेट से ही प्रभावित होता है, उसके अंदर मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है, इस तरह से एक पूरा सर्किट है। जब सनराइज होता है तो एक्टिवेट होता है और वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू सिग्नल देता है कि अब जग जाओ। लेकिन अगर आपकी आदत है, आजकल के तो सोसाइटी और मॉडर्न जमाने में अर्बन फ्लैट में ये पॉसिबल नहीं है, सनलाइट अगर आपके बिस्तर पे पहुंचती है सुबह की सनलाइट, तो समझ लीजिए कि आपका सोने का सबसे अच्छा स्थान बना हुआ है, क्योंकि सूरज की रोशनी आते ही आपको जगाने के लिए ऑटोमेटिक भगवान ने, ईश्वर ने, नेचर ने, प्रकृति प्रदत्त एक पूरी पूरी तंत्र अंदर तैयार किया हुआ है जो आपको जगा देगा। और सनराइज के बाद आयुर्वेद में तो बहुत बृहत इसका वर्णन है कि कब खाना खा लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए, उसके कितनी देर बाद तक बिना ये किए वज्रासन या करके और सो जाना चाहिए, तो उसका भी समय फिक्स है। तो रात में बहुत लंबे समय तक जगने के कारण जो मॉडर्न मेडिसिन मानता है वो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, जैसे डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजे और इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, अल्टीमेटली ये बहुत लंबे समय जाने ओबेसिटी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस फिर होने लगता है और फिर जाके हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होती है। दोनों मेडिसिन इस चीज को मानता है,
कहने और समझाने का तरीका अलग है। इसलिए नींद का समय, नींद का ड्यूरेशन और नींद के कारण, और अच्छा दूसरी समस्या नींद नहीं आने की होती है, उसके पीछे भी कारण है। नींद नहीं आना भी एक बीमारी है और नींद नहीं आने के कारण भी कई बीमारियां होती हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सर, आप लोगों ने आयुर्वेद और मॉडर्न का पक्ष नींद के विषय में बहुत ही अच्छे, और मैं डॉक्टर अंशुमान जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसा कि आज हमारा टॉपिक है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण आहार, तो सर आहार के बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आहार होना चाहिए और किस तरह का हम लोगों को किस समय आहार लेना चाहिए? जी देखिए, प्योर मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस, मॉडर्न मेडिसिन किताबों थ्योरी के हिसाब से अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो सामान्य रूप से मॉडर्न मेडिसिन में स्पेसिफिक कहीं भी आहार की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, अनलेस जो डाइटिशियन का कोर्स करे, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करे। हाँ, लेकिन हर बीमारी के साथ साथ जरूर कुछ न कुछ परहेज बताया जाता है कि इन इनको करें। तो मॉडर्न मेडिसिन प्रिवेंशन पे उतनी बातें नहीं करता है जितना कि ट्रीटमेंट के समय लाइफस्टाइल में आहार में क्या क्या करें। लेकिन भारत की संस्कृति को देखते हुए, आयुर्वेद की महत्ता को देखते हुए और मॉडर्न मेडिसिन की जानकारी और ज्ञान को रखते हुए मैं जो बताने जा रहा हूं, बी एज नेचुरल एज पॉसिबल, मतलब प्रकृति के जितना समीप हो आहार में उतना हो। तो इसको समझाने के लिए आप ये समझें कि जितना भोजन आपका प्राकृतिक स्वरूप में आपके तक पहुंचे, तो इसको आप याद करने के लिए समझें, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बनाया है। तीन रसोई है आपके पास, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शैतान की रसोई। तो भगवान की रसोई, जो नेचुरली प्रकृति प्रदत्त खाना आप एज इट इज खा लेते हैं, जैसे फल पेड़ में होगा आप उसको कच्चा खा सकते हैं, सबसे बढ़िया सबसे उत्तम आहार है, सुपाच्य है। रसोई इंसान की, इंसान की रसोई क्या हुई, प्रकृति प्रदत्त आपने चावल गेहूं दाल ये सारा खेत में उगाया और किचन में लाके अपने किचन में अपने हाथों से अपना खाना बनाया, इंसान की रसोई, यहां तक भी आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कुछ शैतान की रसोई है, वो शैतान की रसोई आपने देखी नहीं होगी लेकिन उसका प्रोडक्ट मार्केट में आपको नीले पीले हरे चमकीले बहुत रंग बिरंगे पॉलिथिन में पैक करके इन द फॉर्म ऑफ चिप्स नट क्रैकर्स और इस तरह की चीजें मिल रही होगी। कभी आपने गौर किया कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से क्यों इतना पैक को रंगीन किया जाता है? इसका उदाहरण ऐसे समझिए, जब रेड लाइट पे आप खड़े होते हैं तो तीन रंग की बत्तियां होती है, लाल पीली और हरी। रुकने के लिए लाल का ही क्यों इस्तेमाल किया गया मालूम है? क्योंकि बहुत दूर से लाल बत्ती आपको दिखती है, ये थ्योरी ऑफ फिजिक्स है। सिमिलरली जितने पैकेट आपको जितने रंगीले चटकीले या लाल की तरफ हो वो आपको दूर से आकर्षित करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के लिए रुक जाएंगे। तो जितना पैकेट चटकीला हो समझ लो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, हाई सैचुरेटेड फैट सॉल्ट, ये इतना ज्यादा होता है कि अल्टीमेटली आपको मोटापा, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और लंबे समय तक कैंसर की संभावना। दूसरी शैतान की रसोई कहां है, जो शैतानों ने पाश्चात्य सभ्यता में इसका इस्तेमाल किया, जो भी अपने कल्चर की वजह से, और इंडिया में धक्का दे दिया, जिसमें है जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, इस तरह शैतान की रसोई है। वो कोई आपके लिए ध्यान नहीं दे रहा है कि आपका खाना नहीं बना है इसलिए वो खाना खिलाने के लिए है। उसके लिए कुछ लोग करते हैं, बड़ा उत्तम काम करते हैं, भंडारा लगाते हैं, जब आपका खाना ना बना तो भंडारे में खाना खिलाते हैं, वो शुद्ध भारतीय भोजन खिलाते हैं, उचित है आपके लिए। लेकिन ये पिज्जा बर्गर वाले वो अपना कंपनी चलाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए खिलाते हैं, इससे आप बीमार होते हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन भी मान चुका है। और उसके बाद खाने के समय, सुबह उठने के बाद क्यों अंग्रेजों ने भी माना ब्रेकफास्ट, मतलब फास्ट को ब्रेक करना है, मतलब ओवरनाइट आपने फास्ट किया तो उसको ब्रेक, तो बहुत सुबह बहुत देर तक खाली पेट ना रहें, खाली पेट चाय ना पिए, जो भारतीय सभ्यता में एक आ गया है, पहले नहीं था, ये ना करें। तो खाने के बीच में बहुत लंबा गैप ना हो, एसिडिटी की तकलीफ अगर आपकी हो रही हो तुरंत सतर्क हो जाएं कि खाने के समय या खाने के टाइप में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसका ध्यान दें।
अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आप मेरी बात मान के रखिए 30-35% बीमारियां सिर्फ खाने की वजह से होती है। अगर आकलन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, सिर्फ कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाना। क्यों? एंट्री पोर्टल एक ही है मनुष्य के लिए, मुंह। इसी से आप चाहें तो अमृत पान करें, आप चाहें तो विष का पान करें, चॉइस आपकी है। मेरी बात माने, विष का पान छोड़ें, अपने जीवन से जितने भी विषैले चीजें निकाल दें। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि किस प्रकार की रसोई खाने का सेवन करना है, और एंट्री पोर्टल एक ही है, उसी से हम लोग अमृत पान भी कर सकते हैं और उसी से हम लोग विष पान भी कर सकते हैं। तो वैद्य आनंद जी, मैं आयुर्वेद ने क्या माना है आहार के बारे में, किस प्रकार का आहार होना चाहिए? फिर से बोले, आपका सवाल कट गया, आवाज नहीं आई। वैद्य आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद ने किस प्रकार का आहार माना है और किस प्रकार से हम लोगों को उसका सेवन कर जी। आयुर्वेद कहता है कि आहार जो होता है वो आपकी अग्नि की अपेक्षा रखता है, आपके पचन की अपेक्षा रखता है। आप जो है ऐसा आहार लीजिए जो पच जाए, सुपाच्य हो, ये बहुत व्यापक मैं बता रहा हूँ, सुपाच्य हो, ऐसा आहार लीजिए जो पच जाए। उसके बाद हमारे आयुर्वेद में अष्टो आहार विधि विशेष आयतनी करके एक सिद्धांत होता है, उसमें 8 बातें अलग अलग बताई गई। उसके बाद फिर हमारे आयुर्वेद में आहार विधि विधान बताया गया, मतलब नाति दुर्तम, मतलब बहुत जल्दी नहीं खाना है, नाति विलंबितम, मतलब बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाना है, बहुत तेज में नहीं खाना है, कुछ बात करते हुए नहीं खाना है, बासी आहार नहीं लेना है, पर्युषित उसको हमारे यहाँ कहा जाता है, बासी नहीं लेना है, ताजा लेना है, गर्म लेना है, आराम से जमीन पे बैठ के खाना है, टहल टहल के नहीं खाना है, कुछ ऐसा आहार नहीं लेना है जो बहुत ठंडा हो जो कि हमारे अग्नि को और जाके मंद कर दे, ऐसा आहार नहीं लेना जिसमें बहुत क्लेद हो। क्लेद का मतलब होता है कि जिसमें जलीयांश बहुत ज्यादा हो, म्यूकस और जलीयांश उसमें ज्यादा हो, ऐसे आहार नहीं लेने हैं। ऐसे आहार नहीं लेने हैं जो ताजे ना हो, जो क्लीन ना हो, या फिर जिनमें कोई गंदगी हो, या फिर ऐसा आहार लेना है जो अच्छे से घी वगैरह डाल के पकाया हुआ आहार हो, छौंका हुआ आहार हो। ये मैं बहुत व्यापक में बता रहा हूँ, किसी दिन मैं बैठूंगा तो आपको अष्टोहार विधि विशेष आयतनी बताऊंगा। ये बहुत व्यापक में बताया गया है, हमारे यहाँ यहाँ तक बताया गया है कि किन किन रोगों में किन किन का बहिष्कार करना है, नहीं लेना, परहेज करना है, और किन किन रोगों में किन किन को लेना है, सारी चीजें हमारे यहाँ आहार के रूप में बताई गई है। 3 उपस्तंभ, जैसा कि मैंने बताया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ है, मतलब पिलर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य, जिसपे हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। तो इतनी महत्ता हमारे आयुर्वेद में आहार के लिए बताई गई है। आहार कब खाना है, मतलब एक बार खाया हुआ आहार पचा नहीं, फिर हमने दोबारा खा लिया, उसको हमारे अध्यसन बोला जाता है, वो भी एक रोग का कारण है। एक बार खाया हुआ आहार पच गया, हमको भूख लगी हुई है, हम नहीं खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए रोग का कारण है। तो हमारे यहाँ आहार का बड़ा व्यापक महत्व है। इस पे एक जी सर, आप मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आहार की बात हो रही है तो जो दर्शक देख रहे हैं या आगे देखेंगे उनको जरूरी है समझना, भूख और वासना में अंतर आपको करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट। वासना क्या है, लस्ट क्या है? जैसे आपने खाना खाया हुआ है, आपको भूख नहीं लगी हुई थी, ऑफिस में आप थे, कहीं से गुजर रहे थे किसी कॉरिडोर से, आपको समोसे की खुशबू आ गई या पिज्जा की खुशबू आ गई, आप अट्रैक्ट हुए, गए, एक समोसा उठाया, खा लिया। उस समय आपके शरीर को न कार्बोहाइड्रेट की जरूरत थी न प्रोटीन की, समोसा जो आपने खाया ये आपके लिए विषपान हो गया, पॉइजन की तरह काम करेगा। ये है लस्ट। ये आपको हर समय वासना की तरह, मतलब जरूरत नहीं है, बेजरूरत आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसकी तरफ भागते हैं। तो जो जो चीज आपके दिनचर्या में है, देख लीजिए क्या क्या है, उससे बचने की कोशिश, ये लत है। भूख क्या है,
भूख है जिस समय बॉडी में हाइपोथैलेमस से हाइपोग्लाइसिमिक जब इंड्यूस करता है और कहता है बॉडी को मुझे भूख लगी है खाना दो, तो उस समय जो भूख लगती है उसको अगर मैं थोड़ा मजाकिया भाषा में आपको समझाऊं तो इसके लिए मैं कहता हूं, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात कुजात, भूख न देखे जूठी भात। अगर ऐसी भूख लगी है तो वाकई आप मान लीजिए आपको भूख लगी, आप खाना खा लीजिए, तो उस समय आपको सादा खाना भी स्वादिष्ट लगेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से बेवजह के शैतान की रसोइयों का खाना निकलता चला जाएगा और आप सादे शुद्ध खाने पे आ जाएंगे, क्योंकि आखिरी उद्देश्य क्या है, आपको स्वस्थ रहना है और दीर्घायु जीना है बिना बीमारी के, लाइफ विदाउट पिल। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और सर एक प्रश्न आया है कि जैसा कि हम लोग के कार्यक्रम का नाम ही है मुद्दा स्वास्थ्य का, क्योंकि मुद्दा है आपका, बीच बीच में प्रश्न लेते रहेंगे। रागनी त्रिपाठी जी जो कि कोटा से हैं, उनका एक प्रश्न है कि वो निरंतर एंट एसिड का जिसमें रेंटेक और पेन 40 ऐसी टैबलेट का वो निरंतर सेवन करती है रेगुलरली एसिडिटी और गैस की समस्या के लिए, तो वो कितना सही है? जी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, पहली लाइन ही बता देता हूं, निरंतर उपयोग करना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आपने सुना भी होगा रेंटेक H2 ब्लॉकर ग्रुप की दवा है, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा इस पे बैन, H2 ब्लॉकर पे बैन किया गया कि उसमें देखा गया है लंबे समय तक H2 ब्लॉकर का इस्तेमाल करने से लेबोरेटरी स्टडी में पाया गया गैस्ट्रिक कैंसर, मतलब खाने की थैली के कैंसर होने की संभावना बढ़ी है। सिमिलरली जो पेंटोप्राजोल लेते हैं, जिसको आमतौर पर पेंटो पेंटोसिड पैन 40 इस तरह के ट्रेड नेम से आप ओवर द काउंटर खरीद के खा लेते हैं, ये कंप्लीट सप्रेशन एसिड का कर देता है। स्टमक में एसिड जिसको आयुर्वेद में अग्नि बोलते हैं, जो अम्ल है वो पाचन के लिए जरूरी है, और जो खाना हम खाते हैं उसमें बैक्टीरिया जाता है वही एसिड है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है और हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया का प्रकोप नहीं होने देता है, और साथ में फूड को एसिडिक एनवायरमेंट देता है जिसमें फूड हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उसका पाचन होता है, फिर आगे जाता है जिसपे अलग अलग केमिकल्स काम करते हैं, फिर खाना पचता है और उससे हम ये करते हैं। क्या होता है जब आप H2 ब्लॉकर एंटासिड या कभी कभी सॉरी प्रोटोन पंप इनहिबिटर और एंटासिड एक अलग दवा है, जैसे आप कोई पीने वाली सिरप जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में, मुझे किसी कंपनी ब्रांड नेम नहीं बोलना चाहिए लेकिन समझाने के लिए आपको बोलता हूँ, ये पब्लिक के जन जागरूकता के लिए बोलता हूँ, डाइजीन म्यूकेंजेल इस तरह की जो दवा होती है आप लोग खरीद के पी लेते हैं, क्या करता है ये अल्कलाइन है, ये जाके आपके एसिड से रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपके पेट में एसिड की मात्रा कम हो गई। अब देखिए मेडिकल साइंस में अगर एसिडिटी हुई तो आपने हाइड्रोजन H2 ब्लॉकर हाइड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया या प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, एसिड निकले ही ना, इसको ब्लॉक किया, ठीक है, निकला हुआ है तो आपने सिरप दे दिया कि न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन मेरा सवाल हर समय अपने आप से, अपने मॉडर्न साइंस से ये रहता है, हमने उसके लिए क्या किया जिसके कारण एसिड अत्यधिक बना, उसके का लिए एक्चुअली मेडिकल साइंस उस लेवल पे नहीं अभी सोचता है, मॉडर्न मेडिसिन उस लेवल पे नहीं सोचता कि बना क्यों, क्यों ना उसी को ठीक कर दें, उस कारण को जिसके कारण बना, तो उसको ठीक करेंगे तो ना आपको H2 ब्लॉकर की जरूरत होगी, ना PPI की जरूरत होगी, ना एंटासिड की जरूरत होगी। इसलिए लंबे समय तक इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने जीवन शैली में बदलाव लानी है, एक्यूट फेज के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है दवा लेनी चाहिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। उसमें आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कुछ समय के लिए आप लें, आपकी जीवन शैली में सुधार हो और फिर आप देखेंगे कि आप टोटली एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक रूपांतरित व्यक्ति निकल के आएंगे, जो सोचेंगे हर दिन मुझे दवा लेनी पड़ती तो आज क्या हो गया, मैं बिना दवा के हूं, और ये संभव है। तो रागनी जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ये दवा आपको लंबे समय तक नहीं लेनी है, और जब भी ये दवा लें तो चिकित्सा सलाह के बगैर मत लें। और वैद्य आनंद
आपसे पूछना चाहूंगा कि आयुर्वेद में क्या बताया गया इस दवा के बारे में, और इस तरह के क्या दवा का सेवन करना ठीक है? उनकी उसमें मैं थोड़ा सा एक दो बात और जोड़ना चाहूंगा कि उनको देखना पड़ेगा कि ये दवा जो ले रही है वो अलग विषय है, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी अपनी दिनचर्या क्या है, उनका सोना कब हो रहा है, वो रात में भोजन के बाद कितनी देर तक जगती हैं, रात में कितनी देर तक जगती हैं तो वो क्या काम करती हैं, दिन में वो जब सोती हैं सुबह कितने बजे उठती हैं, सूर्योदय के बाद कितनी देर तक सोती हैं, या फिर दिन में भोजन के बाद वो कितनी देर तक सोती हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि उनके भोजन में क्या क्या तत्व ऐसे हैं जिनसे उनको एसिडिटी हो सकती है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से चूंकि चावल का विपाक जो होता है वो कटु होता है, इसलिए वो भी एसिडिटी क्रिएट करता है। वो तो होता तो शीत गुण का है, मतलब उसका जो तासीर बोलते हैं वीर, वो शीत होता है, लेकिन उससे भी एसिडिटी होती है। तो वो चावल कितना ले रही हैं, या फिर शिमला मिर्च है, या लाल मिर्च है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कितना ले रही हैं, उनको अपने आहार की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी 7 दिनों की। मैं एक छोटा सा बताऊंगा उनको उपाय कि 7 दिनों की वो एक अपने आहार की लिस्ट बनाए कि सुबह दोपहर रात में जो खाना खाया, जो नाश्ता किया, या जो रात में खाना खाया उसमें हमने क्या क्या खाया। उसके बाद वो देखें कि कौन कौन सी चीजें गर्म है, हमने दही कब खाई, रात में खाई कि दिन में खाई, किस सीजन में खाई, हमने बाहर का भोजन कब लिया, हमने ठंडा पानी कितना पिया, हमने गर्म पानी कितना पिया, हमने दूध कितना लिया। तो ये सारी चीजें एक बार अपने वो भोजन के जो है आहार की जो लिस्ट होती है उसको बना लें, फिर उनकी समझ में स्वयं आ जाएगा कि उनकी एसिडिटी का कारण क्या है। उनको ये भी देखना होगा कि एक बार भोजन उन्होंने किया, फिर दोबारा भोजन वो जब कर रही हैं तो कितना गैप हो रहा है उनके भोजन में, कि एक बार खाना खा लिया और बीच में लंबा गैप हो गया फिर वो खाना खा रही हैं, वो भी उनकी एसिडिटी का कारण हो सकता है। या फिर एक बार उन्होंने खाना खा लिया, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमको भूख नहीं लगी हुई है, लेकिन हम बाजार गए, कुछ अच्छी चीज उनके हिसाब से महकी, अच्छा लगा, वो गई वहां पे खा ली, वो भी उनकी एसिडिटी का कारण हो सकता है। तो मतलब कितनी जल्दी में खा रही हैं, कितनी चिंता है उनको, या फिर कितना मसालेदार खा रही हैं, ये सारा उनकी एसिडिटी का कारण है। तो उनको अपने आहार की भी, अपने रहन सहन की भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो उनकी समझ में स्वयं आ जाएगा कि उनकी एसिडिटी का कारण क्या है, और वो खुद से ठीक कर लेंगी, बाद में उनको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्या बिल्कुल, जी, मैं आहार यही जो कहना आप चाह रहा खा था, रही हैं उस पर बिल्कुल। जी मैं यही कहना चाह रहा था, इसी की जरूरत जी है, सर, इसी सामंजस्य की जरूरत है कि जब एक्यूट फेज हो, एसिडिटी बहुत बढ़ गई, बेशक आप मेडिकल सुपरविजन मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से आपने जो भी रैनसिडिन की गोली या पेंट्रोपेजोल की ले ली, लेकिन जहां सुधार की जरूरत है, जड़ जहां है, जैसा वैद्य आनंद पांडे भी बता रहे थे, उन चीजों की जरूरत है, आपके जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है, कुछ आयुर्वेद की दवा आपको चाहिए, ये देने की जरूरत है, और आयुर्वेद एसिडिटी को जिस तरह से, जिस दृष्टिकोण से देखता है, उसको ठीक करें। अगर ऐसे मिलके मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद की चिकित्सा को हम भारत में स्थापित कर सकें, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने आज रोगी हैं, इससे रोगियों की संख्या भारत में कम हो जाएगी। मुझे कोई इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है, करने की जरूरत है। अगर आप पारदर्शिता से हमारे साथ जुड़े, करके देखें, नहीं हो तब बताइएगा। सामंजस्य से ही, मतलब एलोपैथी और आयुर्वेद के सामंजस्य से ही ये संभव है कि जो भी इतने लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी रोग थाम हो सके और सभी तक एक सही जानकारी पहुंच सके। तो अभी सर हम प्रोग्राम के अंत में की ओर बढ़ चुके हैं, तो सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी? आनंद जी बताएंगे हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, जी, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जीवन आपका है, इसलिए जीवन शैली आपकी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है, आप जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। हम लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाहें आपके व्यक्तिगत निर्णय में, लेकिन इस एरा के डॉक्टर होने के नाते और जितने चिकित्सक और वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबका एक ही ध्येय है
कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने प्रैक्टिस में हैं, सब अपना घर चला रहे हैं, पैसे हैं उनके पास। हमारा ध्येय ये है कि इस एरा में अगर हम चिकित्सा विज्ञान को कुछ दे सकें इस रूप में कि जिसमें हमारे आसपास रहने, हमारे देश में रहने वाले लोग जिनको दवाइयों की और अस्पताल की कम से कम जरूरत पड़ने लगे, तो मैं मानूंगा इस एरा के चिकित्सक सफल हो गए। मैं यही संदेश देना चाहूंगा, इसमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें काम हम लोग कर रहे हैं, आशीर्वाद की जरूरत है। आप लोग जो सुन रहे हैं, जैसी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, हम बिल्कुल वैसा काम करेंगे और ये संभव है। वैद्य आनंद जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आपके इस प्लेटफॉर्म से हम अपने सभी दर्शकों को, अनुभूति के सभी दर्शकों को, इस मुद्दा स्वास्थ्य का जो सीरीज चला रहे हैं उनके सभी दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा। एक तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमने आज छोटा सा ये प्रोग्राम रखा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को या डिजीज को कैसे रोका जाए, ये सिर्फ इतने में ही हम नहीं खत्म कर पाएंगे। इसके आगे भी हम अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग लाइफस्टाइल जो गड़बड़ होती हैं उन पे हम बताते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे कोई भी नुस्खा नहीं बताने वाले हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ चीजों की, आदतों की सुधार पे ही बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई भी दवा उठाइए और जाके वहां से लेके आइए। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि आपको अगर कोई समस्या है तो दवा लेनी चाहिए, चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सक से दिखा के लें या फिर किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से दिखा के लें, लेकिन जिनको दिखाएं वो पढ़े लिखे चिकित्सक हों, डिग्रीधारी चिकित्सक हों, उनको दिखाएं फिर लें। ये भी एक लाइफ स्टाइल बन गई है आज, ये एक नया लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में आ रहा है कि हम गए पेट साफ करने की दवा काउंटर से लिए और चले आए। फैशन बना हुआ है कि सुबह सुबह एलोवेरा जूस, तुलसी का जूस, आंवले का जूस, गिलोय का जूस, करेले का जूस, ये लेना है। आप देखते होंगे लोग पार्कों में जाते हैं टहलने, वहां पे साइकिल पे या फिर टेबल पे बेचता है वो गिलोय का जूस, एलोवेरा जूस, आंवले का जूस। ये भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का कारण धीरे धीरे बनने वाला है, ये निश्चित होगा, आप देख लीजिएगा। और सर ने जैसा कि बताया कि जीवन आपका है, इसको कैसे जीना है, पैसा आपका है, इसको कैसे खर्च करना है, इसके मालिक आप हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है, हमारे चिकित्सा से, चिकित्सा विज्ञान का ये उद्देश्य है, हमारे आयुर्वेद का ये उद्देश्य है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो हम चाहते हैं कि आप बीमार ही ना हो, हम इस पटल पे वही बात करेंगे कि आप बीमार ही ना हो, आप बीमार होना भूल जाइए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक हम लोगों से जुड़े, आप लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, ये बिल्कुल संभव है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसको करके दिखाएंगे। डॉक्टर अंशुमन जी, आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वैद्य आनंद पांडे जी, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।